नमस्कार दोस्तों, विजय के में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर। तो चलिए उस पर बात करते हैं। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम चार्ट पर आज बात करने वाले हैं, तो चलिए उस पर बात करते हैं। और अगर आपने उससे पहले अभी तक एमपी परीक्षा सफलता की ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे कर लीजिएगा और हमारा एक कूपन कोड VGDPEB50 अप्लाई जरूर से करिएगा तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। शिक्षक वर्ग एक में आपको मिलेगी हिंदी, बायोलॉजी, कॉमर्स, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, भूगोल और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज। साथ ही साथ शिक्षक वर्ग दो में मिलेगी हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान की टेस्ट सीरीज। तो आप इसको जो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। तो देखिए, आपका ये है सिलेबस और उसमें जो है ये है एक और टॉपिक जो आपको पता ही होगा कि उसका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन। जो आप ये जानते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन ये है एक टॉपिक आपका और इसके अंतर्गत आपको जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं चार्ट, ग्राफ्स एंड टेबल एंड। तो ये जो है इनमें से देखिए हम आज क्या करने वाले हैं, जो आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन में करने वाले हैं वो करने वाले हैं चार्ट को। ठीक है, तो ये आपको जो आज हम करेंगे वो पार्ट ये आला करेंगे कि चार्ट से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक। ताकि मैं ये क्यों लाया हूँ, तो देखिए इस जो ये टॉपिक है इस टॉपिक में से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जब जब ये टॉपिक आता है तो अपने साथ 2 मार्क्स लेकर के आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक के क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में और जब आते हैं तब कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जब ये क्वेश्चन आता है तो उसको क्वेश्चन को समझना और उस पर फिर आंसर करना, तो जो एफर्ट्स होते हैं उसके लिए जो कम से कम एग्जामिनर जब पूछता है तो वो कितने मार्क्स का पूछता है, 2 मार्क्स का। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको ये जो है कर लेना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या चार्ट्स के बारे में, और फिर इसका जो है एक सेशन रखेंगे जिसमें हम क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करेंगे। तो आज हम पूरा कंसेप्ट एक बार में फटाफट से समझ लेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पाई चार्ट। तो देखिए पाई चार्ट में क्या होता है, देखिए मैं आपको बताते जाता हूँ, पाई चार्ट का मतलब हम समझेंगे बाद में। पहले देखिए पाई चार्ट क्या होता है, एक हमें ऐसा पाई चार्ट दे दिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है इसमें सेक्शन बना दिए जाते हैं। मान लीजिए ये एक सेक्शन बना दिया, साथ में मतलब बीच में से बनाया जाता है, सॉरी ये मैंने बीच में से नहीं लिया, ये मान लीजिए इस तरह से एक जो है सेक्शन बना दिया जाता है और फिर एक ऐसा सेक्शन बना दिया जाता है और इस पार्ट में जो है हमें बता दिया जाता है कि 20% ये होगा, इसमें से 20% हमने खर्चे में, और इस प्रकार से जो है हमें अलग अलग डाटा दिए जाते हैं पाई चार्ट में और हमें फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो वो फाइंड आउट करने के लिए दे दी जाती है। तो आपको जब अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम इस पर आगे बात करते हैं तो आपको पूरी बातें जो है क्लियर होती जाएंगी, आपको जो आश्चर्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपसे एग्ज़ाम में जो है थ्योरिकल नहीं पूछी जाएगी तो इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है आपका टाइम बचाने के लिए। तो देखिए प्रतिशत के रूप में समंक, अब हमें क्या दे रखते हैं, जो समंक दे रखते हैं मतलब जो डाटा दिया रहेगा वो कैसा दिया रहेगा, वो दिया रहेगा परसेंटेज में। देखिए मतलब परसेंटेज में मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर जो डाटा देंगे वो कैसा दे देंगे, जब आप जब चार्ट के अंतर्गत क्या दिया जाएगा, समंक कैसे दिया जाएंगे, समंक का मतलब डाटा, तो डाटा कैसा दिया जाएगा, जो डाटा आपको दिया जाएगा वो कैसा दिया जाएगा, वो दिया जाएगा परसेंटेज में, प्रतिशत में दिया हो तो सभी खंडों का कुल मान कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। आपको जो बात ध्यान रखनी चाहिए वो क्या रखनी चाहिए कि टोटल कितना होगा, टोटल जो होगा वो 100 के बराबर होगा, और किसी खंड का वास्तविक मान ज्ञात करना। अब हमको क्या ज्ञात करना है कि कोई स्पेसिफिक बात को हमें ज्ञात करनी है कि वो कितनी है, तो हम क्या करेंगे टोटल ले लेंगे, टोटल कितना है वो, और उसमें उस खंड का प्रतिशत कितना है उससे जो है हम निकाल लेंगे कि उसका कितना मान आ रहा, मतलब जो वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो वो हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और ऐसी हमें क्या दे रखते हैं, ऐसी हमें देखिए मान दे, मान निकालना है मतलब प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत का मान निकालना मतलब जो वैल्यू निकाली उसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो हमें उसकी वैल्यू मिला है, मिली रहेगी, और टोटल वैल्यू जो हमें पता रहेगी तो हम उसमें क्या करेंगे, 100 का जो है परसेंटेज का इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से अब जो है हम एक क्वेश्चन खुद से लेते हैं और फिर एक जो क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा वो लेते हैं। अब मान लीजिए ये आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, देखिए एक मिनट रुकिएगा। चलिए इसमें आपको मान लीजिए ये जो है इसका केंद्र बिंदु और आपको यहाँ से दे रखा है ये, देखिए ठीक है ये दे रखा है इसमें, ठीक है ये पूरा दे रखा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम 3 पार्ट कर लेते हैं ज़्यादा आसानी के लिए, ये 3 पार्ट कर लिए। अब देखिए अब समझिएगा फटाफट से, परसेंटेज को फिगर आउट मेरे परसेंटेज से करिएगा, ऐसे मत देख करके करिएगा कि कितना परसेंट है। अब मान लीजिए ये प्रतिशत में दिया हुआ है तो टोटल कितना हो जाएगा, 100% के बराबर, इसमें कोई डाउट है आपको,
ये 100% के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए इन्होंने क्या दिया है कि एक व्यक्ति की आय है और आय कितनी है, वो है 10,000 रुपये। कितनी है? 10,000 रुपये, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया यहाँ पर, दिया है उसकी बचत, ठीक है, बचत मतलब सेविंग। और क्या दे रखी होगी? और दे रखे होंगे खर्चे, यहाँ पे खर्च दे रखा उसका। अब खर्च के साथ साथ क्या दे रखा है? खर्च के साथ साथ अदर, अदर मतलब उसकी संपत्तियाँ, वो संपत्तियाँ कितनी परचेस करता है मान लीजिए हर महीने, तो यहाँ पर दे रखी होगी उसकी एसेट, ठीक है। तो मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अब समझिएगा पॉइंट क्या है। अब पॉइंट ये है कि उन्होंने यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है। क्या दे रखा है? परसेंटेज। अब यहाँ दे रखा है 40%, ठीक है, यहाँ दे रखा है 30%, और यहाँ पर भी दे रखा है 30%। रुकिए मैं इसे फिगर को बदल देता हूँ ताकि हमें और अच्छे से चीज़ों को समझ में आए। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है? खर्च दे रखा है। उसने कितना करता है? तो खर्च करता है वो 50%, और संपत्तियाँ कितनी खरीदता है हर महीने? तो वो खरीदता है 10%। तो देखिए टोटल भी कितना हो रहा है इसका? 100 हो रहा है। अब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा? अब एग्जामिनर जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि वो हर महीने कितनी बचत करता है। क्या पूछेगा एग्जामिनर? वो हर महीने कितनी बचत करता है। ये हमें दे दिया जाएगा ऐसा कैसे ही फिगर, और हमें दे दिया जाएगा कि हर महीने जो है व्यक्ति वो कितनी बचत करता है। तो हमारे पास देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज कितना है? तो वो है 40%। टोटल वैल्यू दे रखी हमें कितनी दे रखी है? उसकी आय वो दे रखी है 100 रुपये। तो अब हम इसकी सहायता से क्या करेंगे? अब हम इसकी सहायता से क्या निकाल लेंगे? इसकी बचत। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए 40% उसने बोला है, 40% ये रख दिया और डिवाइड में कितना रख दिया? 100, क्योंकि 100 है और ये किसके बराबर है? 100 को हमें 40% में इंटू कितने का कर देंगे? 10,000 का। अब आप ये सोचेंगे 10,000 का इंटू क्यों करा? तो देखिए आपको चूंकि जमा करके भी मैं बता दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? 4,000 रुपये। सिंपली है क्वेश्चन, पर अब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, चूंकि करके भी आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। चूंकि करके कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूं आपको फटाफट से, एक मिनट रुकिएगा, समझिएगा। 100% के बराबर कितना है? 100% के बराबर है जो वो है 10,000 रुपये। तो 40% के बराबर कितना होगा? तो देखिए 40 का किंटू किस में हो जाएगा? 10 में, और डिवाइड कितने से हो जाएगा? 100 से। तो देखिए जो हमने ऊपर पहले निकाला था वही फॉर्मूला लग जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? 4,000 रुपये। तो हमारे पास 4,000 रुपये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कि वो हर महीने कितनी बचत करता है, तो 4,000 रुपये बचत करता है। तो ये तो आ गया प्रतिशत के हिसाब से। अब हम जो है एक इसमें दे रखा है वो भी हम कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर एक उदाहरण में क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति है उसकी दिनचर्या के बारे में दिए, मतलब वो दिन भर में क्या क्या काम करता है, और उसे क्या दे रखा है? हमें पाई चार्ट में समझा के रखा है। जो पाई चार्ट में दे रखा है वो समझा के रखा है। क्या दे रखा है कि देखिए ये सोता कितना है? सोता है वो 30% सोता है। कार्य कितने घंटे करता है? काम कितने घंटे करता है? वो 46% करता है। अन्य काम कितने घंटे करता है? तो 8% करता है। और टीवी कितनी देर देखता है? तो 8% देखता है। और भोजन कितनी देर में करता है? तो 8% में वो है अपना दिन भर में भोजन करता है। तो अब आपको पता होगा कि देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, व्यक्ति की दिनचर्या दे रखी, मतलब दिन भर। तो देखिए आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में जो घंटे होते हैं उनकी कितने घंटे होते हैं? तो वो 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा? 24 घंटों का। जैसे जो ऊपर दे रखा है 10,000 रुपये, तो यहाँ पर अब हमें ये पता है, तो एग्जामिनर कई बार ये 24 घंटे नहीं देता क्योंकि ये सबको पता है कि 24 दिन भर में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक साल पूछ लिया तो उनको आपको ध्यान रखना होगा, 12 महीने दे दिए कि एक महीने की उसकी सैलरी इतनी है, तो आपको उस हिसाब से जो है दिमाग भी लगा लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 24 घंटे। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो कितने समय कार्य करता है। अब कितने समय कार्य करता है, तो अभी हमें प्रतिशत में पता था कितने समय कार्य करता है। तो देखिए ऊपर दे रखा था कि 46% वो जो है वो काम करता है, ये 46% वो है दिन भर में काम करता है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली निकाल लेंगे कुल समय कितना है। तो हमें पता है कि एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं और वो कितने घंटे कार्य करता है, तो 46% कार्य करता है। तो बस फॉर्मूला रख देंगे, 24 घंटे के बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, 46% निकालना है हमको, तो 100 डिवाइड कर देंगे और हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11.04%। तो ये देखिए आ गया क्या, 11 घंटे 2 मिनट और 24 सेकंड। तो देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जांपल के लिए था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। जैसा मैं आपको ऊपर समझा रहा था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, हमारा ये एग्जाम्पल था, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हम क्या करेंगे, ये वीडियो आप इस बार पूरा कंसेप्ट समझिएगा और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हम ये बात कर रहे हैं टाइप्स के। अब देखिए यहां पर दूसरा टाइप क्या आता है कि डिग्री के आधार पर। अब हमें क्या दे रखा है, डिग्री दे रखते हैं, डिग्री मतलब
कोण जो रहता है डिग्री। तो देखिए आपको ये पता है कि टोटल डिग्री कितनी होती है, मतलब जो कोण होता है वो टोटल कोण कितने का होता है। तो देखिए डिग्री टोटल कितने की होती है, तो वो होती है 360 की। ये आप सभी को पता है कि वो कितनी होती है, टोटल कितनी होती है, 360 डिग्री होता है टोटल कोण। ठीक है, तो जैसी डिग्री बोले तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये बात क्लिक होना चाहिए कि टोटल डिग्री कितने की होती है, 360 की होती है। और पाई चार्ट है तो देखिए 360 आ भी जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या दे देंगे, मैं पहले अपने एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे ये भी समझ लेंगे। अब हमें वही वापस से एक गोला दे दिया, मतलब पाई चार्ट दे दिया। अब इसमें क्या करा, इन्होंने डिग्री बता दी। तो अब देखिए क्या बता देंगे, ये मान लीजिए ये डिग्रियाँ दे दी ऐसे ही, इसे 360 डिग्री को इन्होंने अलग अलग बांट दिया। ये देखिए तो हम यहाँ पर भी पांच भाग कर दिए। अब वो फिगर ऐसे दे देंगे कि 100 डिग्री, यहाँ पर परसेंटेज की जगह क्या दे देंगे 100, और ये 360 तक हो जाएगा क्योंकि यहाँ टोटल डिग्री कितनी होती है, 360 होती है। आपको ये बात ध्यान होना चाहिए कि 360 डिग्री होती है, तो जो फिगर भी आएंगे वो किस हिसाब से आएंगे, 360 को मैच करते हुए। तो देखिए 50 डिग्री दे देंगे कोई से और काम के लिए, और दे देंगे 40 डिग्री। तो आप देखिए बच कितना रहा, 190 हो गया है, और 360 में से 190 तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया 150, तो ये कितना हो गया 250 और ये हो गया 290। तो 290 अब हम क्या करेंगे, 290 जो बचा हुआ रहेगा वो और काय में आ जाएगा, तो और काय में आ जाएगा बाकी बचे हुए कार्य में, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 120। ठीक है 120 डिग्री। तो बस अब ये डिग्री में दे दिया है परसेंटेज, और अभी बता देंगे कि एक व्यक्ति की आय है, जैसे मैं ऊपर बता रहा था कि वो फलानी फलानी जगह, मतलब बचत इतनी 100 डिग्री करता है, खर्चा 150 डिग्री करता है, वो बच्चों की फीस जो है उसकी 40 डिग्री के बराबर जाती है, और संपत्तियां वो कितने डिग्री के बराबर खरीदता है, 125 डिग्री के बराबर खरीदता है। और इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन को अब यहाँ पर समझिए। तो देखिए यहाँ पर हमें वही वास्तविक मान दे देंगे और अखंड डिग्री की दे देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसे देखिए पहले फॉर्मूले को ना पढ़ते हुए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि हमें आसानी समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक व्यक्ति की आमदनी दे रखी है, मतलब उसकी सैलरी दे रखी है या उसकी आय दे रखी है महीने भर की, वो कितनी दे रखी है, 25,000 रुपये। ठीक है, अब और क्या पूछा है यहाँ पर, वो शिक्षा पर कितना खर्चा करता है, मतलब जो मैं ऊपर आपको बता रहा था वही यहाँ पर पूछा गया है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्चा करता है, ये पूछा गया है। तो अब देखिए हमें क्या देखना है, हमें टोटल डिग्री देखना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 50 डिग्री क्या करता है, वो बचत करता है। अन्य काम कितनी डिग्री करता है, तो देखिए अन्य काम वो 20% करता है। शिक्षा पर कितना जाता है, 100% जाता है। और भोजन पर कितना जाता है, 90 डिग्री। तो अब देखिए उन्होंने क्या पूछा, 100 डिग्री उसका शिक्षा पर कितना जाता है। तो देखिए टोटल कितना डिग्री है, 360। ठीक है, 360 किसके बराबर है, तो 360 जो है टोटल है, और टोटल किसके बराबर है, तो वो है 25,000 के बराबर। तो ये किसके बराबर हो गया, 25,000 के बराबर। देखिए आप है ना ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 25,000 के बराबर तो 100 डिग्री के बराबर कितना होगा, तो देखिए 100 डिग्री के बराबर 100 इंटू किस में हो जाएगा, 25,000 में, क्योंकि 100 के बराबर कितना हम रख देंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ 100 रख के यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो 100 इंटू 25,000 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इस प्रकार से भी आप चूंकि जमा करके भी जब आप करेंगे तो आंसर वही आएगा। और अभी हम ऊपर भी रखेंगे फॉर्मूला, जो ऊपर आपने देखा होगा ना, ऊपर मैं फॉर्मूला पहले नहीं पढ़ा रहा था, तो वो फॉर्मूले से भी आप जो है रख देंगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। तो पहले तो आप इससे सॉल्व करिए, और इससे सॉल्व करने के बाद आप क्या करिएगा वो भी करिएगा। तो देखिए इसका अब हमें जो फॉर्मूले का फॉर्मूला से जो निकलेगा आंसर वो देख लीजिए। तो देखिए यही कि ये इन्होंने किया क्या किया, 100 डिग्री के बराबर जो है निकाल लिया। तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि 360 के बराबर 25,000 है, तो 100 के बराबर कितना, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है क्या आ जाएगा, 6,944। ठीक है, तो यही कि अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा, वास्तविक मान, अब देखिए इसे समझिएगा, वास्तविक मान कितना दे रखा हमारे जो सवाल में, वो दे रखा है 25,000 रुपये, बिल्कुल 25,000 रुपये। और ये क्या बोल रहे हैं कि हमें शिक्षक के बराबर निकालना, तो उसकी डिग्री कितनी थी, 100 डिग्री। तो यहाँ 100 का डिग्री रख दी, और टोटल कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने रख लिया। तो अब आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल कंसेप्ट समझेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो भी आप जो है सवाल बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये डिग्री से समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है तीसरे टाइप पर, प्रतिशत और डिग्री में संबंध। अब देखिए पहले क्या बात करते हैं, प्रतिशत और डिग्री में संबंध। तो देखिए प्रतिशत और डिग्री में संबंध का मतलब क्या हो गया कि देखिए टोटल प्रतिशत किसके कितना होता है, तो टोटल प्रतिशत होता है वो 100% होता है।
इस बात में कोई डाउट है? और टोटल डिग्री कितनी होती है? टोटल डिग्री कितनी होती है? 360 होती है। तो संबंध का मतलब क्या हुआ? 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो 100% 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में हमें डिग्री दे देते हैं और फिर बाद में क्या बोलते हैं कि प्रतिशत बताओ कितना होगा। तो हमें जो है इसको ध्यान में रख करके सवाल को सॉल्व करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। देखिए ये आईएमपी टॉपिक है, आपको इसको स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है। और क्योंकि कभी इससे क्वेश्चन आता है तो कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। चलिए हम जानते हैं कि देखिए कुल मान कितना हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। और वो किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर। तो देखिए 100% किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर समझाया भी है तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर दे रखा उन्होंने भोजन, भोजन पर। अब देखिए भोजन पर कितना प्रतिशत व्यय निकालना है हमको, भोजन पर कितना प्रतिशत व्यय करते हैं हमको ये निकालना है। तो देखिए हमारा सवाल जो था वो ये रहा, क्या था? ये रहा। अब ये कहाँ है? भोजन दे रखा है 90 डिग्री के बराबर दे रखा है और इन्होंने क्या बोला हमें प्रतिशत निकालना है। तो भैया देखो हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि 100% के बराबर कितनी डिग्री, कितना परसेंट होता है? 100% के बराबर 360 डिग्री होता है। या आप वैसे भी रख सकते हैं, वैसे भी रखने का मतलब ये हो गया कि आप कैसे रख सकते हैं, 360 डिग्री के बराबर कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री के बराबर कितना प्रतिशत होगा? तो बस 90 डिग्री के आई में इंटू हो जाएगा, 100 में इंटू हो जाएगा और डिवाइड किससे हो जाएगा? 360 से। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास प्रतिशत आ जाएगा। तो बस 360 किसके कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। तो 90 किसके बराबर होता है? तो हमने क्या करा, 90 इंटू 100 कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 360 से। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बस 90 को इंटू कर दिया और डिवाइड किससे कर दिया? 60 से। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और फिर 36 से जो है ये कट जाएगा। 9 × 9 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। तो ये 4 बज गया और ये 4 से जो है 100 कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 25%। तो किस कितने खर्चा करता है? तो वो अपने महीने के 25% जो है क्या करते हैं, 25% जो है भोजन पर खर्चा करते हैं। अब हमें टोटल दे रखा था, टोटल तो हम बस टोटल से वो भी निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं एक और टॉपिक पर, तो क्या आता है? वास्तविक आधार पर। अब इसमें क्या दे रखते हैं हमको? वास्तविक आधार दे रखते हैं। वास्तविक आधार मतलब क्या हो गया? एक्चुअल में कितना कितना क्या है। अब देखिए इसे ऐसे समझिए कि एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? तो 650 विद्यार्थी हैं। अब उसमें से एक कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल विद्यार्थी हैं 6500 विद्यार्थी हैं, सॉरी 650 बोल गया था मेरे से, 6500 विद्यार्थी हैं। अब उन्होंने क्या दे रखा है? तो एक्चुअल में बता रखा है कि इतने विद्यार्थी कायम है, 1170 विद्यार्थी हैं बीएड में, बीटेक में है 455 और 845, और इस प्रकार से सारे ही हमें कोर्सेज के उन्होंने क्या दे रखे हैं, एक्चुअल में कितने रजिस्ट्रेशन हैं। अब एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है? एग्जामिनर ये पूछेगा कि बीएससी में कितने प्रतिशत जो है क्या है, विद्यार्थी हैं। बीएससी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, ये हमसे एग्जामिनर पूछेगा। तो हमें क्या करना है? सिंपली 65 किसके बराबर? बस हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कर देंगे 1950 डिवाइडेड बाय 6500 और इंटू काय का कर देंगे, इंटू कर देंगे 100 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपली क्वेश्चन है, क्यों हम वही, चूंकि 6500 के बराबर, 6500 किसके बराबर है? चूंकि 6500 100% के बराबर है, क्या है, 100% के बराबर है। तो 1900 किसके बराबर है? तो बस हम सॉल्व कर लेंगे कि 1900 किसके बराबर है, 1900 के बराबर कितना प्रतिशत है। तो बस 1900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6500 हो जाएगा। तो बस हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो है आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन को सीधा सीधा से पूछ सकते हैं। तो ये क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या दे देते हैं, एक्चुअल में कितना क्या है ये बता देते हैं और हमसे जो है एग्जामिनर क्वेश्चन का आंसर पूछ लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लास्ट में हम पूछते हैं प्रतिशत के आधार पर। अब इसमें क्या देगा, देखिए प्रतिशत के आधार पर एक बार और क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो आपका ये जो प्रतिशत के आधार पर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो चलिए हमने इसे भी फट से देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है टोटल व्यय। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि टोटल व्यय कितना दे रखा है, 1850,000। और क्या दे रखा है हमें, प्रतिशत दे रखा है कि देखिए कितना, 8% जो होता है कैंटीन में सब्सिडी के रूप में है। दूसरा है स्टाफ को चिकित्सा व्यय कितना जाता है, 6% जाता है। बिजली पर कितना जाता है, तो 12% जाता है।
और टेलीफोन पर कितना जाता है, तो टेलीफोन पर 15% जाता है। इसी प्रकार से बाकी भी इन्होंने देखिए डिटेल यहाँ पर दे रखी है। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछेंगे, देखिए क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, यदि यह ज्ञात करना चाहिए कि टेलीफोन पर कितना प्रतिशत व्यय होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो टेलीफोन पर कितना व्यय होता है। तो देखिए टेलीफोन पर जो व्यय दिया है, अब हम क्या करेंगे टेलीफोन पर व्यय देख लेंगे। तो देखिए टेलीफोन पर दे रखा है 15%, कितना होता है खर्चा, तो वो होता है 15% टोटल का। तो हमें टोटल दे रखा है कितना दे रखा है, तो 18,50,000 टोटल दे रखा है। तो बस हम 18,50,000 का क्या करा, हमने 18,50,000 का 15% निकाल दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 2,77,500। तो 2,77,500 काय पर व्यय होता है, तो टेलीफोन पर व्यय होता है। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है, यदि ज्ञात करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है और इसमें गलतियां हो जाती हैं। तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसे जो है नोट कर लेना चाहिए, ये एक आईएमपी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, ज्ञात करना चाहिए कि बिजली का व्यय पानी के व्यय से कितना अधिक है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, बिजली का जो व्यय है वो पानी के व्यय से कितना अधिक है। तो देखिए बिजली का व्यय यहाँ पर दे रखा है 12% और पानी का व्यय कितना दे रखा है, देखिए पानी का व्यय दे रखा है 11, ये देखिए ये दे रखा है 11%, 12% और 11%। तो बिजली का व्यय कितना प्रतिशत है, तो देखिए 1% ज़्यादा है। तो बस प्रतिशत में क्या करते हैं, देखिए प्रतिशत में होता ना तो सीधा सीधा माइनस कर देते हैं। देखिए बिजली कितना था 12% और ये कितना था 11%, तो हमने इसको सीधे सिंपली माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 1%, 1% ज़्यादा है बस। तो ये 1% हम काहे पे लगा देंगे, टोटल पर लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है टोटल 18,50,000, उसका 1% क्या हो जाएगा 18,500 रुपये। तो 18,500 रुपये क्या है, व्यय ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, बिजली का व्यय 18,500 रुपये जो है ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो पानी के व्यय से। तो ये क्वेश्चन एक आईएमपी क्वेश्चन है और एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछते हैं जब ज़्यादा, अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए या 2 भी आए, तो कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पूछते ही है। ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है पर आराम से बन जाता है। अगर आपको ये याद रखना है क्या करना है, सिंपली हमको जो है क्या करना है, जो दे रखा है प्रतिशत उसमें से जो प्रतिशत है उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ प्रतिशत आ जाएगा, मतलब 11 में से 12 माइनस करा तो 1% आ गया, और 1% को हम क्या करेंगे कुल जो हमारे पास व्यय होता है उस पर अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास अधिक की वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार से ये है क्या पूरा जो चैप्टर जो आईएमपी थे वो मैं आपके लिए लाया हूँ। और ये आखिरी है जो क्या है डिग्री पर आधारित, जो हमने ऊपर पढ़ा था उस पर आधारित हम एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन एक कर लेंगे, तो आपको जो है आसानी से आपसे चैप्टर पूरी तरह बन जाएगा और आपके 2 मार्क्स कम से कम कवर हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, दे रखा है कि कितने लोग जो है काम करते हैं, एक शहर का दे रखा है कि यहाँ पर इतने प्रति लोग काम करते हैं, तो वो कौन कौन से काम करते हैं ये बोला है। तो प्रोफेशनल क्या बोला है, 15% डिग्री के 15 डिग्री के बराबर काम करते हैं। वाणिज्य में जो लोग काम करते हैं वो 115 डिग्री के बराबर हैं। और इसी प्रकार से बाकी भी दे रखा है कि निजी सेवा में कितने डिग्री काम करते हैं, तो 25 डिग्री जो है निजी सेवा में कार्य करते हैं। और अन्य व्यवसाय में कितने डिग्री हैं, तो 60 डिग्री जो है वो है। यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें ध्यान रखना है कि प्रतिशत की जगह हमें दे रखा है डिग्री दे रखा है। तो बस डिग्री किसके बराबर होती है, टोटल डिग्री कितने बराबर होती है, 360 के बराबर। बस ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी बस। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं, टोटल दे देंगे और बस हमसे पूछ लेंगे। अब देखिए लगे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का ट्रिकी आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको आईएमपी लगना चाहिए और लिख भी लेना चाहिए साथ ही साथ। यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 1160 है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा, उन्होंने हमें 1% डिग्री का एक व्यक्ति दे रखा निजी सेवा। अब निजी सेवा कितनी थी, तो 25% निजी सेवा थी। तो निजी सेवा की हमें क्या दे दी, इसकी वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू दे दी है हमें, दे दी है वो दे दी है 2160, इसकी वैल्यू दे दी। टोटल की वैल्यू इस बार नहीं दी हमें, केवल इस क्षेत्र की वैल्यू दे दी है टोटल की बजाय। तो देखिए अब ये दे दिया निजी सेवा में लगे हुए व्यक्ति कितने हैं, तो देखिए निजी सेवा में लगे हुए व्यक्ति 2160 के बराबर है। तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए जो परिवहन में कितने लोग लगे हैं, तो परिवहन में लोग लगे 40 डिग्री के बराबर। हमें 2160 दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 2160 दे रखा है 25 डिग्री के बराबर, तो 40 डिग्री के बराबर कितना होगा, बस सिंपली रख दीजिएगा आप 25 डिग्री के बराबर है कितने, 2160, तो 40 डिग्री के बराबर कितने होंगे, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 40 डिग्री के बराबर, तो 40 इंटू क्या करेंगे 2160, डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 25 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। करिए ऐसे आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 2160 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 25। तो जैसे आप ये करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए नीचे सॉल्व हम फटाफट से देख लेते हैं।
तो देखिए आपने क्या करा, 40 डिग्री के 21 डिग्री के बराबर कितने थे, 25%, तो 40 डिग्री के बराबर कितने होंगे, तो वो आ जाएगा आंसर आपका 3456 लोग जो हैं कायम होंगे, परिवहन में होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन दूसरा कौन सा पूछ रहे हैं, प्रतिशत में बदलना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, प्रतिशत उसमें बदलने का पूछा। अब ये क्या बोल रहे हैं, विनिर्माण में लगे कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग लगे होंगे, तो अभी हमें क्या दे रखा है, अभी हमें डिग्री दे रखी है, कितनी डिग्री दे रखी है, ये दे रखी है 85 डिग्री के बराबर। तो बस हमें पता है कि 360 किसके बराबर होता है, अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 360 जो होता है वो 100% के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो बस 85 डिग्री के बराबर कितने होंगे, तो 85 इंटू क्या कर देंगे, 100 डिवाइडेड बाय 360। बस जैसे ही आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, जो ऊपर आपको दिख रहा है आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। मैंने आपको चूंकि करके सबसे सिंपलीस्ट वे में जो है इसे समझा दिया है कि चूंकि 360 किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है, तो 85 डिग्री के बराबर कितना होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 23.67% जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने आज पूरा चार्ट जो है, चार्ट जो पाई चार्ट है आपके, उसमें क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसका हमने आज पाई चार्ट पूरा पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, ताकि आपका ये जो पूरा चैप्टर है पाई चार्ट का ये कवर हो जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो वो कितने मार्क्स का आता है, कम से कम 2 मार्क्स का आता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, विजय एकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक तैयारी स्कूल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, इस पर आप कॉमर्स और बाकी पेडागोजी, हिंदी, साहित्य, सामान्य ज्ञान और अनिवार्य विषय के प्रैक्टिस सेट जो है वो आएंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, और विजय एकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।